आज की वीडियो में हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसमें एक आदमी अपने प्यार और अपनी बेटी को पाने के लिए उन दोनों को किडनैप कर लेता है। इसके बाद उस आदमी के साथ क्या होगा ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो उसे लाइक करके हमारे को मोटिवेट करिए। कहानी की शुरुआत में हम आर्थर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आया है। आर्थर रिसेप्शन पर जाकर बताता है कि वो अपनी वाइफ से मिलने के लिए आया है, लेकिन रिसेप्शन पर बैठी हुई लेडी उसे टोकन नंबर लेकर इंतजार करने के लिए बोलती है। आर्थर टोकन नंबर लेकर अपने नंबर आने का वेट करने लग जाता है, मगर उसका नंबर आने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। देखकर ऐसा लग रहा है आर्थर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। फाइनली आर्थर का नंबर आ गया है तो वो रिसेप्शन पर जाता है तो रिसेप्शन पर बैठी हुई लेडीज उससे पूछती है, मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकती हूँ। आर्थर उसे बोलता है, मुझे मेरी वाइफ से मिलना है और मुझे उसी ने ही मिलने के लिए बुलाया है। अब रिसेप्शन वाली लेडी उससे बोलती है, आपकी वाइफ पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही है, अगर आपको अपनी वाइफ से मिलना है तो आपको लंच तक वेट करना पड़ेगा। इतना सुनते ही आर्थर गुस्से में अपनी गल निकाल लेता है तो रिसेप्शन पर बैठी हुई लेडी उसे देखकर डर जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है। तेज आवाज सुनकर आर्थर की वाइफ लुइस बाहर आ गई थी। लुइस उससे पूछती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। आर्थर उससे बोलता है, तूने मुझे मिलने के लिए बुलाया है और खुद मिलने के लिए नहीं आई। इतने में स्टाफ के किसी एक मेंबर ने पुलिस को फोन कर दिया था एंड थोड़ी ही देर में पुलिस कई गाड़ियों के साथ हॉस्पिटल के बाहर आ गई थी। लुइस उससे काफी ज्यादा समझा रही थी कि गन को नीचे रखकर पुलिस को सरेंडर कर दो, लेकिन आर्थर गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो गया था। वो एक कागज पर लिखकर पुलिस वालों को बताता है, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो एक पुलिस वाले को बिना हथियार के हॉस्पिटल के अंदर आने दो। अब एक पुलिस वाला निहत्ता हॉस्पिटल में आ गया है जिसका नाम लुकस है। आर्थर उसकी पूरी तरीके से चेकिंग करता है। अब लुकस शोर करता है हॉस्पिटल के अंदर सभी इंसान बिल्कुल ठीक है। लुकस आर्थर से बात करने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन आर्थर उसके सवालों का बिल्कुल गलत तरीके से जवाब दे रहा था। आर्थर लुकस के आगे एक कार की डिमांड करता है, वो भी बिना किसी नंबर प्लेट की और काले शीशे वाली। तो लुकस उसके आगे एक शर्त रखता है, वो आर्थर का बैग चेक करने के लिए बोलता है ताकि वो पूरी तरीके से श्योर हो सके कि आर्थर के बैग में बॉम्ब नहीं है। लुकस उससे पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो आर्थर उसे बताता है, लुइस ने उसकी बेटी कैसेंड्रा को कहीं छुपा कर रखा है। दरअसल आर्थर कैसेंड्रा से मिलना चाहता था, लेकिन लुइस ने कैसेंड्रा को कई दिनों से आर्थर से नहीं मिलने दिया, इसलिए आर्थर ने गुस्से में ऐसा करना सही समझा। और अगर वो लुइस को जान से भी मार देगा तो उसे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। लुकस ने कार का अरेंजमेंट कर दिया है, लेकिन कार को आने में अभी 15 मिनट का समय लगेगा। अब दो लेडी ऑफिसर लोगों का हालचाल पूछने के लिए आती है तो लुकस उन्हें इशारा करके समझा देता है, आर्थर दिमागी रूप से पागल है और वो किसी को भी मार सकता है। थोड़ी ही देर में कार हॉस्पिटल के बाहर आ गई थी और वो तीनों कार में बैठ जाते हैं एंड कार को लुकस चला रहा था, साथ ही पुलिस की काफी सारी गाड़ियां उनका पीछे चल रही थी। थोड़ा आगे आते ही लुकस उन दोनों से पूछता है कि कहां पर जाना है, तो लुइस बताती है वेस्ट मेन रोड पर जाना है। लुकस आर्थर को बताता है कि वो गन को नीचे रख दे, मगर आर्थर उसकी एक भी बात नहीं सुनता। अब जैसे ही आर्थर को रियलाइज होता है इस गाड़ी में काले शीशे नहीं है और पुलिस की काफी सारी गाड़ियां उनका पीछा कर रही है, तो वो पूरी तरीके से बौखला जाता है। लुकस उसे बहुत समझाता है, ये पुलिस वाले हमारे प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन आर्थर बुरी तरीके से घबरा रहा था। थोड़ी ही देर में वो लुकस की बात को मान जाता है। अब इन लोगों ने काफी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया था, तभी लुकस की नजर पेट्रोल पंप के फ्यूल मीटर पर जाती है। उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला था। वो आर्थर को बोलता है, हमारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाला है, लेकिन आर्थर डर की वजह से पेट्रोल डलवाने के लिए मना कर रहा था। लुकस उसे बोलता है, अगर हमने पेट्रोल नहीं डलवाया तो हमें गाड़ी में धक्का मारना पड़ेगा। आर्थर थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन वो लुकस को पेट्रोल डलवाने के लिए हाँ बोल देता है। इतने में आर्थर के पास एक कॉल आ जाती है तो वो जल्दी से रेडियो ऑन करने के लिए बोलता है एंड लुकस जैसे ही रेडियो को ऑन करता है, रेडियो पर बताया जा रहा था आर्थर के बैग में बॉम्ब है। इतना सुनते ही आर्थर की फट जाती है। वो लुकस को समझाता है कि उसके पास कोई भी बॉम्ब नहीं है। इतने में लुकस के वॉकी टोकी पर पुलिस वाले उससे पूछते हैं, क्या आर्थर के पास बॉम्ब है। तो लुकस उन्हें मना कर देता है कि आर्थर के पास कोई बॉम्ब नहीं है। तब जाकर आर्थर को सांस में सांस आती है, वरना उसे ऐसा लग रहा था आज वो टेररिस्ट डिक्लेयर हो जाएगा और पुलिस वाले उसे शूट करके मार डालेंगे। अब लुकस पुलिस वालों को इंस्ट्रक्शन देता है कि हम नेक्स्ट पेट्रोल पंप पर रुकेंगे।
इतना सुनते ही पुलिस की सारी गाड़ियां जो उनका पीछा कर रही थी वो उनकी कार से आगे निकल जाती है और पेट्रोल पंप पर जाकर खड़ी हो जाती है। आर्थर जैसे ही उन पुलिस वालों को पेट्रोल पंप पर देखता है तो वो उस गाड़ी को उस पेट्रोल पंप पर नहीं रुकवाता, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था ये सब पुलिस वाले उसे घेर कर पकड़ लेंगे, नहीं तो जान से मार देंगे। साथ ही वो लुकस को भी बोल रहा था, ये सब तेरी प्लानिंग है मुझे मरवाने की। लेकिन लुकस उसे बहुत समझाता है, ये मेरी प्लानिंग नहीं है, बल्कि मैं तो तुम दोनों को सही सलामत बाहर निकालना चाहता हूँ। अब आर्थर उसे कहता है, हम अगले पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाएंगे। अभी अगले पेट्रोल पंप पर आ गए थे तो लुकस उनसे पूछता है, क्या तुम कॉफ़ी पियोगे? लेकिन आर्थर उसे डांटकर मना कर देता है कि तू कॉफ़ी में जहर मिलाकर मुझे मार डालेगा। अब पेट्रोल भर चुका था एंड ये सभी अपने रास्ते पर आगे निकल जाते हैं। ये सभी एक दूसरे से बिना बातें करते हुए अपने सफर पर चले जा रहे थे। तब आर्थर को ख्याल आता है, वो लुकस से पूछता है, क्या तुम्हारे बच्चे हैं? तो लुकस उसे बताता है, हाँ मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। अब आर्थर उसकी वाइफ के बारे में पूछता है तो लुकस कहता है, मेरी वाइफ और मेरा तलाक हो गया क्योंकि हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। लुकस उसे बताता है, आगे रास्ता खराब है और इस रास्ते पर काफी ज्यादा गड्ढे हैं, तो तुम गन को नीचे रख दो वरना लुइस को गोली लग सकती है। इतने में लुइस और आर्थर की लड़ाई होने लग गई थी। आर्थर लुकस को बताता है, लुइस ने कैसेंड्रा को मारने की कोशिश करी थी। ये कैसेंड्रा को कड़कड़ाती ठंड में नंगे बदन डॉक्टर के पास लेकर चली गई थी। साथ ही हमें ये भी पता चलता है लुइस को बातें भूलने की बीमारी है। इनकी बहस काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी तो लुकस उन दोनों को काफी ज्यादा शांत कर रहा था। आर्थर लुकस को लुइस के मोम एंड डैड के घर पे ले आया था। वो लुकस को कैसेंड्रा को लेकर आने के लिए बोल रहा था ताकि वो कैसेंड्रा को अपने साथ लेकर जा सके। इतने में लुइस के फादर घर के बाहर आ गए थे एंड आर्थर उन्हें देख के गंदी गंदी गाली दे रहा था। लुकस किसी तरह से लुइस के फादर को समझाता है और वो कैसेंड्रा को आर्थर से मिलवाने के लिए तैयार हो गए थे। अब लुकस कार को उन्हीं के गैराज में ले आया था ताकि आर्थर और लुइस अपनी बेटी से अच्छे तरीके से मिल सके। मगर पुलिस वालों को उन सबकी चिंता थी, कहीं आर्थर किसी को जान से ना मार दे। लेकिन लुकस पुलिस वालों को समझाता है कि आर्थर ऐसा कुछ नहीं करेगा। अब लुइस के फादर आर्थर को बहुत बुरा बुरा बोल रहे थे एंड हमें पता चलता है आर्थर को लुइस के फादर की वजह से ही 3 महीने की जेल में रहना पड़ा था। साथ ही हमें ये भी पता चलता है लुइस के फादर आर्थर को शुरुआत से ही पसंद नहीं करते थे। इतने में लुइस की मोम भी वहां आ गई थी। वो लुइस को बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी क्योंकि लुइस ने 40 की उम्र में एक गलत इंसान से शादी की और बिना किसी प्लानिंग के बच्चा पैदा करा। लुइस की मोम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। देखकर ऐसा लग रहा था आर्थर और लुइस के बीच में जो लड़ाई हो रही है ये लुइस के माँ बाप की वजह से हो रही है। इतने में वहां कैसेंड्रा आ गई थी तो आर्थर उसे लेके कार में बैठ जाता है, मगर लुइस के फादर गन लेकर आर्थर को मारने के लिए चले आ रहे थे। लेकिन लुकस बड़ी मुश्किल से उनसे गन छीन लेता है। लुकस को भी पता लग गया था ये फैमिली पूरी तरीके से पागल है। अब इनका सफर दोबारा शुरू हो गया था। अब आर्थर की बात एक नेगोशिएशन ऑफिसर से होती है तो आर्थर उन्हें इस शहर से बाहर निकलने के लिए बोलता है, वो भी एरोप्लेन से। तो वो ऑफिसर उसे मना कर देता है कि तुम्हें हम गन के साथ किसी भी फ्लाइट में नहीं भेज सकते। इतना सुनते ही वो वॉकी टोकी को रख देता है। अब आर्थर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आगे क्या होगा। लुइस उससे लगातार समझा रही थी कि अब तो पुलिस को सरेंडर कर दो, लेकिन आर्थर उसकी बातों को इग्नोर करे जा रहा था। आर्थर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो नेगोशिएशन ऑफिसर से इस शहर से बाहर जाने वाली फेरी के बारे में पूछता है तो वो ऑफिसर उसे बताता है, एक फेरी है लेकिन वो कल सुबह 10 बजे चलेगी एंड जहां से वो फेरी चलेगी वो जगह यहां से बहुत दूर है। तो आर्थर उसी फेरी में जाने का फैसला करता है। धीरे धीरे रात हो चुकी थी एंड कैसेंड्रा को भी भूख लगने वाली थी। लुकस समझदारी दिखाते हुए इन सब के लिए खाना और कॉफी पुलिस वालों से मंगवा लेता है, लेकिन आर्थर वो खाना खाने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था इस खाने में जहर है। थोड़ा आगे आते ही कुछ बच्चे उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंकने लगते हैं जिसकी वजह से वो सारे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब लुइस उस पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी एंड आर्थर को भी धीरे धीरे रियलाइज हो रहा था कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा। आखिरकार वो उस जगह पर पहुंच गए थे जहां से फेरी उन सबको शहर से बाहर लेकर जाएगी। अब आर्थर को रियलाइज हो रहा था उसने अपने प्यार और अपनी बेटी को पाने के लिए गलत रास्ता चुन लिया है। अपनी बेटी का चेहरा देखकर उसे अपने ऊपर घिन आ रही थी। जो भी उसने किया वो गलत था। शर्म के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। लुइस उसे बताती है, मैं तुमसे सच में मिलने के लिए आने वाली थी लेकिन अब वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन वो कैसेंड्रा से कभी भी आकर मिल सकता है। इतना सुनते ही आर्थर अपनी गन की मैगजीन खाली करके लुइस को पकड़ा देता है
एंड लुइस उस गन को कार से बाहर फेंक देती है। आर्थर लगातार लुइस से माफी मांगे जा रहा था, तभी पुलिस वाले आकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। दरअसल आर्थर ने जो अपने प्यार और अपनी बेटी को पाने का रास्ता चुना वो गलत था, इसलिए उसके द्वारा किए गए गलत काम की सजा उसे जरूर मिलेगी। एंड लुकस को पहले से ही समझ आ गया था ये एक फैमिली मैटर है, एंड जिस हिसाब से उसने इस केस को हैंडल करा वो तारीफ के काबिल था। इस तरह के पुलिस वाले हर जगह पर होने चाहिए। और इस तरीके से इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। आगे की आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।